खुशबू खुशबू दिलीप भाई अब्बा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, काफी देर से अंदर है और जवाब भी नहीं दे रहे। चलो देखो बेटा दरवाजा खोल ही नहीं रहे। अबू दरवाजा खोलिए, अबू क्या हुआ है कुछ बताइए तो, लेकिन दरवाजा खोलिए। अबू प्लीज खोलिए ना, अबू अबू प्लीज खोलिए, अबू दरवाजा खोलिए। क्या क्या है अबू, पता नहीं अबू को क्या हो गया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, खोलते नहीं है वो। आप लोग जरा जी क्या गजब करने जा रहे थे। आपको पता है ना अंकल, इस्लाम में खुद खुशी करना सबसे बड़ा गुनाह है, पर आप बड़ी बुराई अजीम करने जा रहे थे। आपने इतना तक नहीं सोचा कि आपके बाद हम लोगों का क्या होगा। अबू आपने एक ऐसी सोच लिया कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है, सर पर हाथ रख कसम खाइए आप दोबारा नहीं होगा, हिमाकत करने की सोचेंगे भी नहीं। अबू कसम खाइए आप, मैं अपने आप पर पछतावा हूं बच्चे, मुझे माफ कर दो, मैं जज्बात की राह में पह गया था। चलिए आप बाहर आए, मुझे भी यहाँ पे घुटन महसूस हो रहे हैं, संभल के आओ। चलो 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 वालिद है, लेकिन आपने बेटे का हक अदा करने से मुझे महरूम रखा। ये रहे फैक्ट्री के कागजात, अब आपको किसी के आगे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आप यूं समझिए कि आपकी कोई चीज खो गई थी, आपको वापस मिल गई। लेकिन जहीर बेटे तुम्हें ये कैसे पता चला? अबू आपने मुझसे ये बात छिपाने की कोशिश क्यों की? अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो ये नौबत ही नहीं आती। आपने मुझे बेगाना समझा। नहीं बेटे ऐसी बात नहीं है, कोई भी माँ बाप अपने गमों की तपिश में अपनी औलाद को झुलसाना नहीं चाहते। बड़े तो धूप में खड़े होकर अपने साए तले अपनी औलाद को अमन और चैन की जिंदगी देना चाहते हैं। ऐसा ही मैं भी करना चाहता था, तुम इसे शायद मेरी हिमाकत भी समझ सकते हो। नहीं अबू कैसी बातें करते हैं आप। हाँ लेकिन ये बात जरूर है कि अमन और चैन की जिंदगी देने वाले उस पेड़ को भी कभी कभी हिफाजत की जरूरत जरूर पड़ती है। ठीक ही तो कहते हैं जहीर मियां, लेकिन अबू अचानक आपने खुदकुशी करने का फैसला क्यों किया? बेटी कई दिनों से जिस गम से मैं लड़ाई कर रहा था, मैनेजर ने मुझे खबर दी कि फैक्ट्री नीलाम हो रही है, मैं गम से हार गया। सलालत का कड़वा घूट नाकाबिले बर्दाश्त हो गया और मैं ऐसे मकाम पर खड़ा हो गया जहां से सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, वो थी मौत। बेटी मेरा गम मेरी जगह खड़े होकर ही सोचा जा सकता है, लेकिन मेरी अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि ऐसी घड़ी दुश्मन की जिंदगी में भी ना आए, दुश्मन की जिंदगी में भी ना आए। आपने ठीक कहा फारूक साहब, घायल की गति घायल जाने। लेकिन फारूक साहब ये सब हुआ कैसे? ये सब मेरे पार्टनर दिलावर खान के धोखे की वजह से हुआ। बिजनेस के सिलसिले में मैं एक फॉरेन टूर पर जाने वाला था, जाने से पहले मैंने फैक्ट्री की पावर ऑफ अटॉर्नी दिलावर खान के नाम लिख दी, लेकिन जब मैं वापस आया सर क्या बात है चंद्रप्रकाश, इतना घबराए हुए क्यों? सर ये कोर्ट से नोटिस आई सर। कोर्ट से हमारा क्या लेना देना, देखें क्या नोटिस।
क्या हुआ सर? दिलावर खान ने इस फैक्ट्री को गिरवी रखकर एक हफ्ते के लिए 5 करोड़ का कर्ज लिया था, जो फौरन लौटाना था। वक्त पर न लौटाने से कोर्ट ने नीलामी के लिए नोटिस भेज दिए। एक बात बताओ चंद्र प्रकाश, ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या कुछ नई मशीनें या माल खरीदा गया था? नहीं सर, कोई भी चीज तो नहीं खरीदी गई। तो फिर दिलावर खान साहब ने ये कर्ज क्यों लिया? दिलावर खान ऑफिस में कब से नहीं आ रहे? सर आपके वापस आने से एक दिन पहले से। हेलो। हेलो भाई, दिलावर खान साहब हैं? अबू फॉरेन गए हुए। आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं उनका बेटा इरशाद बोल रहा हूँ। इरशाद बेटे, मैं फारूक अंकल बोल रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारे अबू? मैंने कहा ना, फॉरेन गए हुए। मगर गए कहाँ हैं? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। इस वक्त मुमकिन नहीं है, जब लौटेंगे तो बात होगी। भाई अजीब बात, तुम साहबजादे हो उनके और तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? या तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अजीब अहमक इंसान है आप। आपसे कह दिया ना मुझे नहीं मालूम, तो मेरा और अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और भला मैं क्यों छुपाऊंगा? जुबान पर लगाम दोष। तुम्हारा बाप फैक्ट्री गिरवी रखकर 5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया, और तुम मुझे अहमक कह रहे हो? कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। मेरा बाप फरार है, आप उनसे बात करिएगा। और जहां तक जुबान पर लगाम देने की बात है, तो मैं घोड़ा नहीं इंसान हूं, वो इंसान जो बिगड़े हुए घोड़े की चाल बदल देता है। उसके बाद मैंने दिलावर खां को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर ना तो कहीं उसका पता चला और ना ही वो आज तक लौट कर वापिस आया। फिर तो उसने धोखा दिया, उस पर 420 का केस बनता है। मगर आपने थाने में रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई? रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गया था मैं, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। आप कमाल करते हैं अंकल, घर में DCP मौजूद हैं और आप थाने के चक्कर लगा रहे हैं। कम से कम अनवर भाई को बता तो देते, वो अपने ढंग से छानबीन कर लेते। जब उन्हें इन सब बातों का पता चलेगा तो कैसा लगेगा उन्हें? क्या सोचेंगे वो आपके बारे में? अपनों को परायपन का एहसास दिलाना अच्छी बात नहीं होता है अब्बू। खैर जाने दीजिए, जो हो गया उसे नसीहत समझकर भूल जाने में ही भलाई है। हम सबको मना लेंगे, फैक्ट्री कल भी आपकी थी और आज भी आपकी ही है। बेटे, ये फैक्ट्री मेरी तब तक नहीं हो सकती जब तक मैं तुम्हारी एक एक पाई अदा नहीं कर देता। ये क्या कह रहे हैं आप? यही सच है जहीर मियां, मैं कारोबार में रिश्ते को शामिल नहीं करना चाहता, और अगर आप लोग मुझे शामिल करना चाहेंगे तो मैं फैक्ट्री की दहलीज पर कदम भी नहीं रखूंगा। ये तो आपकी ज्यादती है, आखिर भाईजान का भी आपके लिए कुछ फर्ज तो बनता है। नहीं फिरोज, अबू जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, आपकी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। ये जहीर भी कमाल का इंसान है। अरे मैंने कहा था काम निपट जाए तो मुझे फोन कर देना, अभी तक ना फोन आया है ना खुद ही आया है, पता नहीं कहाँ रह गया। सुधीर। अरे जहीर क्या हुआ? हमारा आदमी नीलामी पर पहुंच गया था ना? हाँ दोस्त, आदमी भी पहुंच गया और अल्लाह के फजलो करम से हमने फारूक साहब का कर्जा चुका कर फैक्ट्री नीलाम होने से बचा ली। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है दोस्त कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। सुधीर,
आज मुझे फिर एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूं मैं। अगर तुम वक्त पर पैसों का इंतजाम ना करते तो न जाने क्या हो जाता। दोस्त, मैंने कोई एहसान नहीं किया, अपनी दोस्ती का हक अदा किया। तुम नहीं जानते सुधीर, तुमने फारूक साहब की फैक्ट्री के साथ साथ उनकी जान भी बचाई है। अगर मैं वक्त पर वहां नहीं पहुंचता ना तो फारूक साहब खुदकुशी कर लेते। ओह माय गॉड, ये क्या कह रहे हो तुम? सुधीर, फारूक साहब बहुत खुददार इंसान है। मुझे मालूम था कि वो अपनी जिल्लत और बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं वक्त पर वहां पहुंच गया, वरना न जाने क्या हो जाता। सुधीर, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। दोस्त, वक्त पर अगर अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो क्या पराए आएंगे? खुदा खैर करे। छोटी, तुम्हें कुछ खबर मिली? तुम्हारी भाभी नसरीन अपने मायके गई है, वो भी आंखों में आंसू के मोटे मोटे दाने लिए। क्यों, कोई मसला आ गया क्या? हाँ, सुना है उनके अब्बू के बिजनेस में कुछ घाटा हो गया है, फैक्ट्री नीलाम हो गई है। लेकिन भाभी क्यों गई है? खुदा खैर करे, तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे कि तुझे कुछ भी नहीं पता। जिसका शौहर दौलतमंद हो उसकी बीवी खुद ब खुद अकलमंद हो जाती है। आजकल हर मसले का हल है उसके पास। आपा, ऐसे नहीं कहते। आखिर बात खून और उसकी तासीर की है। जब अपनों को चोट लगती है ना तो खून में हरारत आ जाना एक वाजिब सी बात है। हाँ हाँ, सारी वाजिब और गैर वाजिब बातें तो तू ही जानने लगी है ना। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बड़ी। क्या हुआ भाईजान, भाभी के घर में कोई हादसा हो गया? हुआ नहीं, होने वाला था। अगर भाईजान वक्त पर नहीं पहुंचते तो शायद भाभी के अब्बू इस दुनिया में नहीं रहते। आपा, वो इतने गमजदा हो गए थे कि उन्होंने खुदकुशी करने की ठान ली थी। खुदा खैर करे, ऐसी क्या वजह थी कि फैक्ट्री नीलाम हो गई? नीलाम हुई जरूर आपा, मगर भाईजान ने वो फैक्ट्री खरीद कर उन्हें सुपुर्द कर दिया, और करना ही चाहिए था। आखिर ऐसे ही वक्त पर अपने और पराए की पहचान होती है। और वैसे भी हमारे भाईजान तो एकदम फरिश्ते जैसे हैं। खुदा खैर करे, वैसे भी मालदार दामाद ससुराल में फरिश्ते की सिफत न दिखाए तो और कहां दिखाए। सुधीर बेटा, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। परेशानी की बात है डैडी, फारूक अंकल की वो घटना सोचकर मेरा दिल दहल जाता है। तुम ये बताओ कि ऐसे में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? मैं फारूक अंकल के पास गया था उनसे मिलने। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरी बात माने ही नहीं। तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा, अंकल, जिस दिलावर की धोखेबाजी की वजह से आप इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ चुके हैं, मैं उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सकता हूं। और उनका क्या जवाब था? कहने लगे, मेरा जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा, अंकल, आपको जितना रुपया चाहिए आप मुझसे ले लीजिए और अपना कर्ज चुका दी। करेक्ट। कहने लगे, जहीर ने मुझे रुपया देना चाहा लेकिन मैंने नहीं लिया। और फिर तुम भी तो मेरे दामाद जैसे ही हो, अगर तुमसे रुपया लूंगा तो जहीर को शिकायत हो जाएगी और कोई भी खुददार ससुर अपने दामाद से मदद नहीं लेना चाहेगा। फिर मैंने कहा कि देखिए, मार्केट में इतने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर्स मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। आप कहें तो मैं आपको उनसे फाइनेंस दिला देता हूं। मेरी गारंटी पर वो आपको फाइनेंस दे भी देंगे, लेकिन वो इस पर भी राजी नहीं हो। क्यों, इस बात पर उनको क्या इतराज था? उनका कहना था कि अगर मैं उन्हें अपनी गारंटी पर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस दिला भी देता हूं तो ये मेरा एहसान होगा, यानी कि दामाद का एहसान। मैंने उनसे कहा, ये क्या पुरानी धक्कानुसी बातें लेकर बैठ गए अंकल आप? आजकल जो भी फाइनेंस देता है वो ले लेना चाहिए, चाहे वो दामाद हो या बेटा। और वो क्या बोले? क्या कहेंगे? बस कहने लगे कि ये कहां की अकलमंदी है
एक आदमी का कर्ज चुकाने के लिए आप दूसरे आदमी से कर्ज ले लीजिए। मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की डैडी, लेकिन वो तो टस से मस ही नहीं हुए। किसी तरह से भी वो फाइनेंस लेने को तैयार नहीं है। बेटा, मैं फारूक साहब को काफी अरसे से जानता हूं। काफी खुददार इंसान है। अपने जीवन के संकटों का वो खुद ही मुकाबला करना चाहेंगे। खैर, तुमने अपना उत्तरदायित्व निभाया, अब तो एक ही रास्ता बचा है। वो क्या? यही बेटा कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि फारूक भाई को उनके संकटों से मुक्ति दिलाए। यस डैडी। क्या बात है बेगम, आज घर में इतनी जल्दी सन्नाटा छा गया, सब अपने अपने कमरे में चले गए। खुदा खैर करे, आधी रात को आप शाम समझ रहे हैं? अरे हाँ, 11:30 बज गए। ऑफिस में इतना काम था कि वक्त का पता ही नहीं चला। पत्थरों से टकराने के सिवा और कुछ पता है आपको? कहाँ क्या हो रहा है, कुछ खबर मिली? नहीं, क्या बात है? खुदा खैर करे, मैं तो समझ रही थी कि खदान से शहर आते आते आपको सब कुछ पता चल गया होगा। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ। जहीर मियां के ससुर फारूक सैयद साहब है ना, आज उन्होंने बहुत बड़ा ड्रामा किया। ड्रामा? जी हाँ, ड्रामा, खुदकुशी करने का ड्रामा। सब वहां भागे भागे चले, जहीर ने उन्हें बचा लिया। शुक्र है पाक परवरदिगार का। अब कैसे है वो, सब ठीक तो है ना? वो तो ठीक है, मगर मगर जहीर मियां के करोड़ों रुपयों से उनकी झोली तो भर गई। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहूँ, फिरोज कह रहा था कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया। अब खुदा जानता है किसने किसको धोखा दिया, मगर मगर मेरा भाई तो लूट गया ना। लानत है आप पर, फारूक सैयद जैसे शख्स पर आप इतना घटिया इल्जाम लगा रही हैं। मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब मैं एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था। वो अपना दवा का बैग उठाए एक मेडिकल एजेंट की हैसियत से डॉक्टरों के क्लिनिक के चक्कर लगाया करते थे। ओ, यानी दवा बेचते बेचते वो दवा कंपनी के मालिक बन गए। ये सब उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है। अल्लाह ने हमारी आंखों के सामने उन्हें बहुत नवाजा है। सैयद साहब की नजर तब भी जमीन पर थी और आज भी, किसी ने उन्हें ऊंची जुबान बोलते हुए नहीं सुना। और ऐसे फरिश्ता सिफत इंसान को आप फरेबी कहती हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। या खुदा, ये सब सुनने के लिए मैं यहां लौटा क्यों? आप जैसी संगदिल औरत के साथ रहने से तो बेहतर है कि मैं उस चट्टानों के साथ रहूं जो बोलती तो नहीं है लेकिन उनके अंदर भी एक दिल धड़कता है।